आज हम आपको कैसे पंचायत के कैसे वार्ड से मिलाएंगे, जहां राजनीति की अगर बात कहें तो राजनीति बड़ी बड़ी होती है जिसकी वजह से इस वार्ड में विकास कार्य नहीं हो पाता है। आप सोच रहे होंगे कि हम किस पंचायत और किस वार्ड की बात कर रहे हैं, तो आज आप इस खबर पर अंत तक बने रहिएगा, हम आपको पूरा डिटेल्स इस खबर में दिखाएंगे। हालांकि दिखाने से पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक सती माँ का स्थान है और यहाँ पे भारी संख्या में इस पंचायत के लोग, जो पुरुष महिलाएं हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, काफ़ी हंगामा कर रहे थे। हालांकि वो महिलाएं पुरुष यहाँ लगभग 10 बजे से ही हैं। आपको बता दें कि काफ़ी कड़ाके की धूप है और इस धूप में जो पुरुष और महिलाएं हैं वो अपने कामों को छोड़कर आज इस सती माँ के स्थान पर आए हैं और यहाँ पे जमकर हंगामा भी कर रहे थे। अभी 12:30 बज रहे हैं और लगभग 2.5 घंटे वो लोग यहाँ पे इंतज़ार किए, जिसके बाद अब यहाँ जो है कुछ पंच और उप सरपंच के माध्यम से यहाँ एक चुनाव कराया जा रहा है, जो कि वार्ड सचिव का चुनाव है। आपको बता दें कि यहाँ जो है पहले भी कई बार डेट आ चुका था, लेकिन उस डेट पे चुनाव नहीं हुआ। यहाँ के ग्रामीण लोगों से हमने बात किया था तो पता ये चला कि यहाँ के जो वार्ड जी थे वो किसी न किसी बहाने से वो यहाँ से भाग जाते थे, जिसकी वजह से जब यहाँ पे चुनाव होना था वो चुनाव नहीं हो पाता था। हालांकि आज फिर वही हुआ है, चुनाव हो रहा है, लेकिन बता दें कि आज भी वार्ड सदस्य जो हैं यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। उन्होंने एक लिखित आवेदन दे दिया है कि उनकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या सत्यता है, हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन कुछ भी बात करने से पहले हम आपको अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं अतिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुँची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मोरा पंचायत में। ये मोरा पंचायत है, वार्ड नंबर 3 है, बनपुरा गांव है और यहाँ आज वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में यहाँ पे आज वार्ड सचिव का चुनाव होना था, लेकिन वार्ड जो सदस्य हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं और अब पंच और उप सरपंच के अध्यक्षता में यहाँ पर चुनाव कराया जा रहा है। आपको बता दें कि पंचायत के सरपंच जी यहाँ मौजूद हैं और आज उनकी देखरेख में यहाँ पे जो है निर्विरोध चुनाव हो रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष आई हुई हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। आज वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में जो चुनाव होना था, वार्ड सदस्य क्यों नहीं पहुँचे, इसके पहले भी कई बार डेट आ चुके थे, उस डेट में उन्होंने फिर किसी न किसी बहाने से यहाँ से चले गए थे, तब भी चुनाव रुक गया था। तो आइए देना करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पंचायत के जो सचिव जी, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मुना कुमार साई है। किस पंचायत के आप? हम मोरा पंचायत के पंचायत सचिव हैं। ये बताइए कि आज यहाँ पे चुनाव होना है वार्ड सचिव का, और ये चुनाव जो होता है वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में होता है, फिर आज वार्ड सदस्य क्यों नहीं आए? वार्ड सदस्य के तरफ से एप्लीकेशन मिला है जिसमें उन्होंने अपना तबीयत खराब बताया है कि हमारी तबीयत खराब है, जिसके चलते वो नहीं आए। अच्छा, इसके पहले भी बताया जा रहा है कि कई बार डेट आया लेकिन फिर भी वार्ड सदस्य यहाँ पे नहीं पहुँचे थे, उस पर क्या कुछ कहेंगे? इसके पहले तो हम थे नहीं, दूसरे सचिव के उप अध्यक्षता में वो आए नहीं आए थे, लेकिन इस बार हम हैं तो हमारे यहाँ एक दरखास्त भेजे हैं कि हम अस्वस्थ हैं, जिसके चलते मैं नहीं आ सकता हूँ। तो किसकी अध्यक्षता में यहाँ पे आप चुनाव कराए जा रहे हैं? हम पंच उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सचिव का चुनाव करा रहे हैं। चलिए, एक अंकल जी हमारे बीच मौजूद हैं, ये भी आज इस चुनाव में सम्मिलित हुए हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद। घर आपका? यहीं पर है, बनपुरा। क्या कुछ कहेंगे आज जिस तरह से वार्ड सचिव का चुनाव यहाँ पे हो रहा है? हम ये दूसरा कुछ नहीं कहेंगे, इसके पहले भी हम लोग अपना अपना काम छोड़कर यहाँ पर जी थे जी। आज भी सभी लोग हैं, हम लोग का मेहनताना कौन देगा? अपना काम बंद कर कर इस चुनाव में हरदम वो अस्वस्थ रहते हैं, तो इससे बड़ी पदाधिकारी से मांग किया जाए जी, इसके बारे में क्या करेंगे वो। यानी इसके पहले भी डेट आया था, उस पर वो नहीं पहुंचे थे? हाँ, नहीं पहुंचे थे। वो अपना अस्वस्थ का एप्लीकेशन दे देते हैं। अच्छा, हम अस्वस्थ हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या लगता है इस पर? बड़े पदाधिकारी से पूछवाया जाए उनसे। क्या नाम आपका? अजय राज सिंह। घर आपका? बनपुरा। कहेंगे कि वार्ड सदस्य राजनीतिक षड्यंत्र रच रहा है कि चुनाव हमारे मन मर्जी के हिसाब से हो। अच्छा, हाँ, इसमें राजनीति अपना रच रहे हैं। मतलब कैसा राजनीति? कैसा कि हम जो चाहें वही हो। अच्छा, क्या लगता है
राजनीति खेल दिया जा रहा है यहाँ पे? हाँ, राजनीति खेला जा रहा है, नहीं तो जरूर यहाँ उपस्थित होते हैं। तो हालांकि जिताते तो आप ही लोग हैं। जिताते हैं लेकिन वो अपना षड्यंत्र से जीतते हैं, इस बार उनको लग रहा है कि वैसा नहीं चाल होगा। वार्ड सदस्य की अगर बात की जाए तो वार्ड सदस्य पहली बार नहीं जीते हैं, यहाँ कई बार जीत चुके हैं और शुरू से वही हैं, इसीलिए तो उनका दबदबा बना हुआ है। इस बार देखते हैं कि हमारा खेल नहीं होगा। जी, क्या नाम है आपका? शशि प्रकाश सिंह, टिंकू सिंह। अच्छा, ये बताइए, चुनाव आपके गांव में आज किया जा रहा है, वार्ड सचिव का चुनाव हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से यहाँ पे कई बार डेट दिया गया लेकिन उस डेट पे आपके जो वार्ड सदस्य नहीं पहुँचे और आज फिर वही हाल है। कई बार नहीं, कई साल से चलता आ रहा है। इस बार तो हम लोग जाने कि हाँ वार्ड सचिव का भी चुनाव होता है। जी, इसके पहले तो कागजे में वार्ड सचिव का चुनाव हो जाता था, लोगों को बैकअप बनाकर यहाँ पूछिए, जनता खड़ी है, जनता को बताया जाता था कि ये विकास का काम करने के लिए और रजिस्टर तैयार हो गया। अच्छा। सचिव का चुनाव हो गया, लोगों को मालूम नहीं था। यहाँ जनता से पूछिए कि अभी तक किसी को मालूम है कि इसके पहले वार्ड सचिव कौन था? इसके पहले चुनाव नहीं होता था क्या? नहीं। तो वार्ड सचिव कैसे चुन लिए जाते थे? कागज में चुन लिया जाता था, जनता को बेवकूफ बनाया जाता था कि इस योजना को पास कराना है। अच्छा, तो ये पहली बार हो रहा है ऐसा? वो पहली बार चुनाव हो रहा है। अच्छा, इस पंचायत चुनाव के बाद दूसरा बार बैठक हुआ, पहला बैठक में भी हमारे वार्ड अनुपस्थित रहे। कौन है वार्ड साहब आपके? शंभू सिंह, वार्ड नंबर 3 के। वार्ड नंबर 3 के। तो आखिर क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? डेट पे डेट दिया जा रहा है, क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? तो अधिकारी बताएंगे ना। जी, जो सचिव यहाँ आए हुए थे उनके द्वारा बताया गया कि उनका तबीयत खराब है। आज भी सचिव महोदय के पास चिट्ठी आया है कि मेरा तबीयत खराब है। जी, तो आप लोग ऊपर जो अधिकारी हैं उनसे बात नहीं करते हैं क्या? बात हुआ तभी ना आज वार्ड सदस्य के अनुपस्थिति में उप सरपंच की अध्यक्षता में चुनाव कराया गया। बात हुआ तभी ना ऐसा हुआ। अच्छा, क्यों वार्ड सदस्य जो आपके हैं क्यों राजनीति खेल रहे हैं यहाँ पे, आखिर बात क्या है? अपना पक्ष बनाने के लिए राजनीति खेल रहे हैं। सारा योजना पेपर में तैयार हो जाता है, योजना और विकास की बात किया जाए तो सारा पेपर में होता है। उनके अपने लोगों को बनाना था, जनता नहीं चाह रहे हैं कि उनके अपने लोगों को बनाया जाए सचिव। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हट जाते हैं कि भाई चलिए यहाँ विपक्ष की बात है तो हम साइड हो जाएंगे। यानी वार्ड सदस्य चाहते हैं कि वो जो चाहेंगे वही हो, हम जो चाहें वही हो, हम जिसको चाहें उसी का चुनाव। आप लोग चाहते हैं वैसा नहीं होगा? वैसा नहीं होगा। आज भी तो नहीं चाह रहे थे कि चुनाव हो, आज भी तो उनका लेटर आया हुआ है कि अस्वस्थ है। और जनता से पूछिए ना, सुबह में वोट मांगे हैं, बगल में घर हैं, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी बोली कि पता नहीं है कहाँ गई बनी। तो बीमार कोई रहेगा तो ये पता चलेगा ना कि फलाने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। नहीं, अभी आपने कहा कि वो सुबह में वोट मांग रहे थे सभी लोगों से। हाँ, तो सुबह में स्वस्थ जनता खड़ी है, जनता सुबह में वो स्वस्थ थे क्या? हम कह नहीं रहे हैं, जनता से पूछिए। सुबह में वो स्वस्थ थे? बिल्कुल स्वस्थ थे। चलिए, बहुत बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज यहाँ पे वार्ड सचिव का चुनाव हो रहा है और जिस तरह से हमने भाई से बात किया, पता ये चल रहा है कि जो वार्ड सदस्य हैं शंभू सिंह, वो सुबह में घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे थे और जब अब जो समय दिया गया था चुनाव का, उस चुनाव के समय पे वो उपस्थित नहीं हुए और एक लेटर भेज दिए जिस पे लिखा था कि हम अस्वस्थ हैं, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। यानी बताया जाए तो यहाँ पे जो है राजनीति बहुत बड़ी खेल दी जा रही है। यहाँ वार्ड सदस्य सुबह पे घूम लेते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो गायब हो जाते हैं। ये राजनीति है और अगर यही होता रहा तो आपको बता दें कि कभी भी पंचायत में कभी विकास नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो है विकास कार्य इसलिए भी नहीं हो पाता है कि यहाँ दो जनप्रतिनिधि हैं आपस में ही लड़ लेते हैं, जिसकी वजह से आम जनता ऐसे ही रह जाती है और उसका विकास नहीं हो पाता है। चलिए, हमारे बीच और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि आज चुनाव हो रहा है, वार्ड सदस्य यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, इसके पहले बताया जा रहा है कि वो भी डेट दिया गया था उसमें नहीं पहुँचे, क्या कुछ सत्यता है? वो बार बार बोलते हैं कि मेरा तबीयत खराब हो गया, जे चुनाव नहीं होगा। आज सुबह में ही हमसे ही बोले कि नहीं, कल वोट मांग रहे थे ये पूरा गांव में, आज बोले कि नहीं हम आज रहेंगे नहीं, देखते हैं कि चुनाव कैसे हो जाता है। अच्छा, हम ही से बोले खुद? हाँ, वो तो गांव का अपना चाचा ही है, मगर वो बोलते हैं कि नहीं, हम जो चाहेंगे वही होगा। आज जब 25 साल लोग को पूरा मैंने मतभेद करके रखे हैं और सब दिना हम रखेंगे, जाले गिरेंगे तले रखेंगे, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
ऐसा बोल रहे हैं? हाँ ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा ऐसा क्यों पंचायत हाँ, के तो ऊपर बोल देंगे जी। पीछा में इसका पहले हमसे साइन कराए हैं, 5 साल पहले हमसे साइन कराए हैं कि रोड का विकास है जी। रोड का विकास नहीं करा के हमारा साइन है उसमें और सचिव का चुनाव माने कि कागज में करा लिए। अच्छा हाँ, यानी लोगों को मूर्ख बनाकर यहाँ पे कार्य करा लिया जाता है सब कुछ। एकदम प्योर मूर्ख बनाते हैं, हरदम ही बनाते हैं। कौन है वार्ड सदस्य आपके यहाँ के? शंभू सिंह। अच्छा, इसके पहले भी वार्ड सदस्य रह चुके हैं ना? हाँ, इसका पहले भी थे, वो 25 साल से है। विकास को कार्य कराते कि नहीं कराते पंचायत? कोई विकास नहीं है, ठीक है, कोई विकास यहाँ पर नहीं है। अच्छा, जब कुछ नहीं कराते तो फिर कैसे जीत जाते कैसे वो? अरे सब धोखाबाजी है, ये कोई चीज़ है, सब धोखाबाजी चल रहा है। क्या माना जाए, वोट खरीद लिया जाता क्या यहाँ पे? हाँ, वोट खरीद लिया जाता है। हाँ, रात में दारू बटाता है, सुबह में वोट जीत हो गया। अच्छा, सुना जा रहा है कि यहाँ पे वो सुबह में वोट मांग रहे थे, क्या ये बात वाकई सत्य है? सुबह में वोट मांग रहे थे, हमारे सामने का बात है, आप किसी से पूछ लीजिए ना। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह सुबह में वोट मांग रहे थे तो अभी जो बता रहे हैं हम आश्वस्त है, तो क्या वाकई में उनकी तबीयत खराब है या झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तबीयत नहीं खराब है? नहीं नहीं, तबीयत खराब नहीं, वो संतोष सिंह दोनों आदमी गया उधर मोरा जाकर लुकाए। अच्छा, संतोष सिंह कौन है? पूर्व टोला का सचिव का भाई है। वो चाहते हैं कि राजनीति खेलने से सब दीना हमारा का नाम चलेगा, हमारा सचिव रहेगा, हाँ जो भी होगा वो हमारा ही होगा। अच्छा, आप देख सकते हैं हमारे बीच जो वार्ड सचिव प्रत्याशी हैं वो मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, जानते क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह। घर आपका? यहीं बनपुरा। ये वार्ड नंबर 3। क्या कुछ कहेंगे, आज ये चुनाव कराया जा रहा है, आप प्रत्याशी हैं यहाँ पे? देखिए, पिछली बार जब चुनाव होने का डेट निकला जी, उस समय सभी ग्रामीण इकट्ठा हुए, उस समय वार्ड सदस्य जो थे तबीयत खराब का बहाना करके वो चले गए जी। जो सचिव चुनाव कराने के लिए आए थे उनसे हम लोग बोले कि भाई आप लिख करके दे दीजिए कि वार्ड सचिव की अनुपस्थिति के चलते चुनाव नहीं हुआ जी। तो हम लोगों के दबाव बनाने के बाद जी, वो हम लोगों को लिख करके दिए। पुनः हम लोग वीडियो साहब से मिले, फिर डेट निकला आज के लिए। आज के समय में भी सभी ग्रामीण लोग अपना काम छोड़ करके लोग इकट्ठा हुए हैं। वार्ड सदस्य जो हैं एक ग्रामीण के हाथों एक लेटर भेज दिए हैं, जो चुनाव अधिकारी जो आए हैं चुनाव कराने के लिए उनके पास, कि आज भी हम अस्वस्थ हैं इसलिए चुनाव नहीं कराया जा सकता है जी। तो हम लोगों के आग्रह पर ये अधिकारी महोदय बीडीओ साहब से बात किए और बीडीओ साहब के निर्देशानुसार इस ग्राम के पंच सदस्य, साथ में वो इस पंचायत का उप सरपंच भी है जी, उसके अध्यक्षता में चुनाव हो रहा है और बस यही है। सभी लोग ग्रामीण सभी लोग उत्सुकता के साथ चुनाव में अपना भागीदारी बनाए हुए हैं। प्रत्याशी सिर्फ आप ही हैं कि और भी कोई आपका? अभी तो सभी गांव के लोग हम ही को माने हैं। अच्छा, अब आगे देखें क्या होता है, कोई दूसरा भी आ सकता है, अभी तक तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, सभी लोगों का एक ही आवाज़ है। अच्छा, आपके वार्ड सदस्य कौन है? वार्ड सदस्य हैं शंभू सिंह। क्या कुछ कहा जा रहा है यहाँ के लोग जो बता रहे हैं, क्या वाकई बात सत्य है कि उस सुबह में वोट मांग रहे थे और अभी उनकी तबीयत खराब हो गई? अभी तो हम भी लोगों से घूम करके अपना संपर्क बना रहे थे जी, तो लोग बोले कि भाई 9 बजे तक तो हम लोग के पास आए थे जी, और बोले कि 11 बजे चलना है बूथ पर जी, और अचानक 10:30 बजे वो जो अधिकारी आए हुए हैं उनके सामने एक लेटर आया जी, और उसमें आया कि वो अस्वस्थ हैं इसलिए चुनाव नहीं करा सकते हैं। क्या कुछ कहा जाए, यहाँ पे वो राजनीति खेल रहे हैं या वाकई में उनकी तबीयत खराब है? अब उनकी पत्नी के पास जो उस चुनाव अधिकारी के साथ एक विकास मित्र भी आए हुए हैं जी, वो उनके कहने पर गए थे विकास मित्र उनके घर पर जी, तो उनकी पत्नी बोली कि मुझे पता नहीं कि कहाँ गए हुए हैं जी। तो ये तो एक विरोधाभास हो रहा है जी, कि घर के गार्जियन का तबीयत खराब है जी, और उनकी पत्नी को ही पता नहीं है कि तबीयत खराब हुआ है कि कहीं गए हुए हैं जी। तो हमको तो लग रहा है कि वो बहाना बना रहे हैं बिल्कुल, लेकिन अब सच्चाई क्या है अब वो जाने, अब उससे तो हम वाकिफ नहीं हैं। मेरा नाम अजीत कुमार है। घर पनपुरा। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 3 है। यहाँ पे आज जो चुनाव कराया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे चुनाव के बारे में? ये चुनाव आज दूसरी बार हो रहा है, पहली बार अगर वार्ड साहब ने स्थगित करवा दिया था, आज फिर उन्होंने वही तमाशा किया कि स्थगित हो जाए, लेकिन हमारे माननीय सचिव जो आए हुए हैं
प्रभारी उन्होंने चुनाव करवाया है और आज वह पंच जो हमारे उप सरपंच है उनकी अध्यक्षता में चुनाव हुआ है। वार्ड सदस्य कौन है आपके? श्री शंभू सिंह। उनका घर यहीं पे है? हाँ, उनका घर यहीं पे है। वो मेरे को सुबह में 9 बजे मिले थे, तो वो बोले कि बहुत लोग आई लगाइल हमार चलती अभी इतना बाकी हम वार्ड के सचिव के चुनाव हो कहीं ना दें। हाँ, ऐसा क्यों चाह रहे हो? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो पहले से थे वही उनका कंटिन्यू करना चाहते थे, उनके नाम के लिए वोट भी मांग रहे थे घूम के। ये आपको बहुत लोगों ने बताया होगा। आप देख सकते हैं कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुंची है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मोरा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में, और यहाँ आज वार्ड सचिव का चुनाव हो रहा है। पता ये चला कि यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं शंभू सिंह, वो यहाँ पे आज नहीं पहुँच सके क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ पे चुनाव होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से ये चुनाव आज रोका जा रहा था। लेकिन जब पंचायत के सचिव ने बीडीओ साहब से बात किया तो बीडीओ साहब ने ये कहा कि आप पंच और उप सरपंच के माध्यम से चुनाव करा सकते हैं, तो आज उन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ पर जो है चुनाव हो रहा है। और यहाँ पे भारी संख्या में जो महिलाएं पुरुष हैं वो आई हुई हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने का काम कर रही हैं। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरह से वार्ड सदस्य के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजनीति खेली जा रही है, वो सुबह में वोट मांग रहे थे और अब जब चुनाव का समय आया तो उस समय में वो बोल रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब है, तो क्या वाकई बात सत्य? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए आप हमारे बीच इस तरह से बन रही है, जिस तरह से आपने देखा कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई, हम और भी जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। हमारे बीच आप इस तरह से बन रही है। अगर चैनल पर नए तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई नई ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से। संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।